अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जाहद। आप देख रहे हैं जाहद क्यू वी टीवी। तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि हम अपनी वॉइस को किस तरह एडिट कर सकते हैं और किस तरह हम अच्छी रिकॉर्डिंग और एडिट कर सकते हैं। दोनों सिस्टम एक ही सॉफ्टवेयर में आपको मिलेंगे। आप एडिट भी कर सकते हैं, रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है। तो चलिए हम इस सॉफ्टवेयर के मुतालिक सीखते हैं। तो इस सॉफ्टवेयर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ही आपने इसे डाउनलोड कर लेना है। तो डाउनलोड करने के बाद इस तरह आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर ये रेड कलर का आपको बटन नज़र आ रहा है, इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो ये, मैं इसे सेव कर लूँ, ये हम मैंने एक पहले रिकॉर्डिंग की हुई थी इसलिए उसे सेव करना था। तो अब यहाँ से आप रेड पर क्लिक करेंगे तो ये अब रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है। यहाँ पर आप साइट पर देख सकते हैं ना कि ये रिकॉर्डिंग शुरू है। तो अब यहाँ से हम इसे ऑफ़ कर लेते हैं। तो जो ही हमने इसे ऑफ़ किया तो यहाँ से हम इसे प्ले कर लेते हैं। करेंगे तो ये अब रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है। यहाँ पर आप साइट पर देख सकते हैं ना, बस ये अब रिकॉर्डिंग। तो अब हम इसमें इफेक्ट भी कोई भी डाल सकते हैं। तो ये अब रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है। यहाँ पर आप साइट पर देख सकते हैं ना कि ये रिकॉर्डिंग शुरू है। तो अब यहाँ से हम इसे, अब ये 3 डॉट आपको साइट पर नजर आ रहे हैं, इस पर आपने क्लिक करना है और इफेक्ट में जाना है। यहाँ से आप नॉइस को बंद कर सकते हैं, यहाँ पर इसे अप्लाई कर देना है आपने। तो अब हम प्ले करके देखते हैं। करेंगे तो ये अब रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है। यहाँ पर आप साइट पर देख सकते हैं ना कि ये रिकॉर्डिंग शुरू है। तो अब यहाँ से हम इसे, अब 3 डॉट पर क्लिक करके यहाँ से आप इको इफेक्ट भी डाल सकते हैं। पहले आप प्ले करेंगे तो ये अब रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है। यहाँ पर आप साइट पर देख सकते हैं ना कि ये रिकॉर्डिंग शुरू है। तो अब यहाँ से यहाँ से तो यहाँ से आप अप्लाई कर दें तो ये आपकी यहाँ से रिकॉर्डिंग हो गई। यहाँ पर आपको पिच चेंज, पिच भी आप कर सकते हैं, बारीक कम यानी मोटी आवाज़ करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। और उसके बाद आपको यहाँ पर बहुत सारे और इफेक्ट मिल जाते हैं। यहाँ पर चेंज स्पीड भी आप कर सकते हैं, इको भी इफेक्ट डाल सकते हैं, और भी अगर आप इसे कन्वर्ट करना चाहें यहाँ से भी आप इसे बहुत सारी अच्छी यानी कि ऑडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। जब आप अपनी रिकॉर्डिंग को एडिट भी कर लें और उसके बाद आप उसे कट भी कर लें जितनी आपको चाहिए, उसके बाद आप अगर सेव करना चाहते हैं तो यहाँ पर सेव का ऑप्शन है, इस पर आपने क्लिक करना है और उसके बाद आपने यहाँ पर सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो ये चंद ही सेकेंड में आपके सामने सेव हो जाएगी। उम्मीद है आपको हमारी ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा।